Hey guys, welcome back to another vlog. आगे एक न्यू vlog लेके अभी मैं हूँ हॉस्पिटल अपनी कुछ रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर को दिखाने के लिए कि वो मुझे बताएगा मेरा ऑपरेशन कब होना है. और मुझे रिपोर्ट्स देख के लग रहा है कि डॉक्टर जल्दी के लिए ही बोलेगा कि जल्दी करो जो करना है. पिछले एक घंटे से डॉक्टर का वेट कर रहा था. प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आजकल टाइम पे भूख नहीं लगती है. पिछले लगभग कितनी देर से बैठा हूँ मैं, 2 घंटे हुए. डॉक्टर और पेशेंट्स को देख रहा है तो मेरा काम क्या है, बैठे रहना, वेट करना. नंबर आएगा. डॉक्टर अभी गया है लंच पे, तो लंच टाइम है. मैंने सैंडविच लिया है नॉर्मल अपने लिए, ये खाता हूँ फिर मिलता हूँ. अभी मैं हॉस्पिटल में ही बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ डॉक्टर का. काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करे थे, मैंने वो कमेंट पढ़े और पूछे, देखे. लोगों ने काफ़ी एडवाइस करी है. मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें फॉलो कर चुका हूँ. सारी चीज़ें करने के बाद ही मैंने सोच के वीडियो बनाई थी पिछली वाली. मेरे पास लास्ट ऑप्शन ट्रांसप्लांट नहीं है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और ये एक बड़ा ऑपरेशन होगा. गाड़ी भी यहीं पर खड़ी है और घर पर नहीं गया हूँ क्योंकि डॉक्टर के आना जाना हो रहा है रोज रोज. कल मैं सुबह घर जाऊँगा. अभी हम लोग जा रहे हैं नोना के लिए एग्स लेने और कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए. और भाई बहुत स्ट्रेस भरा दिन रहा है. अभी चलते हैं फिर बताता हूँ डॉक्टर ने क्या बोला है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं नोना के लिए एग्स लेने के लिए. भाई हमारी गाड़ी में मत ठोक देना यार. देखो दोनों वेन्यू खड़ी हैं, एक हमारा कलर है एक वाइट कलर है. आराम से आराम से. तो भाई आ गए कॉफी पीने. चलो 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 चलो. हम कौन सी कॉफी पीने वाले हैं? पूरा मेन्यू आ गया भाई. एक कॉफी पीने के लिए पूरा मेन्यू देखना पड़ेगा. तो डॉक्टर ने मुझसे ये बोला है, तुम ट्रांसप्लांट के लिए एकदम रेडी हो, मतलब तुम्हारी जो सिचुएशन है वो ही हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है. काफी जगह ऑलरेडी बात करी है, ट्राई कराया था डॉक्टर से, सबका सेम ही वो है. मैंने किडनी बायोप्सी कराई थी. बेसिकली बायोप्सी जिनको नहीं पता है बता दूं क्या होता है. बायोप्सी में ये होता है कि किडनी का एक सेल निकालते हैं, मतलब एक छोटा सा हिस्सा निकालते हैं, उसको चेक करते हैं. तो मेरा वो हो चुका, तो उसमें सेम रिपोर्ट है. सब डॉक्टर का यही कहना है कि लास्ट स्टेज है ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है. तो अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं. अब प्रॉब्लम है डोनर की हमारे साथ थोड़ा सा. अगर मेरी मदर डोनेट करती है, उनका ए बी पॉजिटिव है, मेरा बी पॉजिटिव है, तो लाइक उसमें प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी. तो देखते हैं अभी उसके लिए कुछ टेस्ट कराएंगे और भी चीज़ें हैं. तो प्रोसेस काफ़ी लंबा है बट अभी स्टार्ट कर दिया है हमने. थैंक यू कॉफ़ी. शायद कॉफ़ी पी के थोड़ी मेरे में जान आ जाए. सुबह से थका पड़ा हूँ, 4 घंटे वेट करने का डॉक्टर के पास नंबर आया. आज डॉक्टर का दिन में पागल हो गया, बैठे बैठे सिर में दर्द हो गया, बॉडी में दर्द है अभी पूरे में. तनु ने तो तीन चार पैकेट डाल लिए. दो है. मैंने तो एक ही डाला है भाई. कॉफी पी ली है, अब निकलते हैं नोना के लिए एग लेना है. और मुझे मेरे को ध्यान आया, असली बाहर आने का तो एक रीजन और था, मुझे कुछ दवाई भी लेनी है भाई अपनी. डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी है वो भी लेनी है मुझे अभी. चलो तो भाई ये ले लिया हमने एग्स कोको के लिए, सॉरी नोनू के लिए, और ये दवाइयाँ. तो जिस काम के लिए हम आए थे वो काम हमारा हो गया. अब ये रही हमारी गाड़ी और अब निकलते हैं हम घर पे. ओहो भाई अभी से मेरे को फॉग सा लगने लगा थोड़ा सा, है ना, धुंध हो गई. अभी से लगने लगा है थोड़ा सा और बहुत ठंड हो रही है. नोना नो 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 फंस गई फंस गई. ये बिल्कुल चीनी की तरह है इस मामले में. चीनी वैसे भी चलती है. नहीं वो आराम से अब खा लेगी. अब सफा एक सेकंड में देखो, अब आराम से खा रही है ना क्योंकि इसके पीस करा ली. हाँ कटक जाती है. हाँ वही रॉक्सी करती है तो इसलिए मैंने पीस करा दिए थे छोटे छोटे. हीटर भाई, हीटर से अच्छी कोई चीज नहीं है इस टाइम, इससे अच्छा कुछ नहीं है. ऊपर नहीं ऊपर नहीं ऊपर नहीं भाग गई.